जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने को एजुकेशन को लेकर सवाल उठाए, यानी इसका विरोध किया। मौलाना मदनी का कहना है कि को एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों को धर्म त्याग की ओर ले जा रही है। खबर देखिए। देश में को एजुकेशन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना मदनी का कहना है कि को एजुकेशन मुस्लिम लड़कियों को धर्म त्याग की ओर ले जा रहा है। को एजुकेशन यानी सह शिक्षा मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम त्याग की ओर ले जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए और अधिक शिक्षण संस्थान खोलने की जरूरत है। मुस्लिमों के खिलाफ पूरी प्लानिंग के तहत एक साजिश शुरू की गई है। इस प्लानिंग के अंतर्गत मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसके लिए जल्द उपाय नहीं किया गया तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। यदि इस लालच और इस्लाम त्याग को ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रोकने के लिए तत्काल कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी विस्फोटक हो जाएगी। सह शिक्षा प्रणाली के कारण से इस्लाम त्यागने की लालच और साजिश को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। भारत में कोरोना को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है। पता ये चला है कि भारत में ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट्स पाए गए हैं। हालांकि इसमें ट्रांसमिशन की दर बेहद कम है। खबर देखिए पूरी। भारत में ओमिक्रॉन पर आई नई रिपोर्ट हैरान करने वाले आंकड़े बता रही है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने भारत में 324 कोविड-19 के पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई थी, जिसमें पता चला है कि भारत में ओमिक्रॉन के सभी वेरिएंट मौजूद हैं। ये सैंपल्स 22 अलग अलग लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए थे। इसके अलावा 24 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक भारत के अलग अलग एयरपोर्ट से 13,57,243 पैसेंजर्स भारत आए। 29,113 पैसेंजर्स की रैंडम सैंपल से जांच हुई। इनमें 183 कोविड-19 पॉजिटिव सैंपल मिले। इनमें से 50 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। अब तक कुल 7,786 फ्लाइट की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। फिलहाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय IDSP नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न राज्यों में कोविड-19 की स्थिति पर, विशेष रूप से ट्रांसमिशन और अस्पताल में भर्ती होने की प्रवृत्ति पर कड़ी नजर रख रहा है। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां हिंदू संगठनों ने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। हिंदू नेताओं का कहना है कि लालच देकर ईसाई मिशनरी भोले भाले हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। खबर देखिए। झारखंड के कोरमा में 25 परिवारों के 100 लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत सतगावा इलाके में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि लंबे वक्त से ईसाई प्रचारक पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हालांकि धर्म परिवर्तन करने वालों का कहना है कि ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा और मन की शांति के लिए किया है। धर्म परिवर्तन तो हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग मन परिवर्तन किए हैं। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम लोग के मन बदला है, और कुछ नहीं किया हम लोग। हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूछताछ के बाद लौट आई। जिले के पुलिस कप्तान का कहना है कि जांच के बाद ही असली वजह का पता चल पाएगा। इस संबंध में जांच की जा रही है कि ये किस प्रकार से है, कि वो स्वेच्छा है या प्रलोभन है या दबाव है, इससे पूरी और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद, जाँच कर लेने के बाद लोग आगे कार्य करेंगे। बिहार में अवैध हथियार माफिया कितने बेलगाम है, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट में हो जाएगा। आपको बता दें, जहां मरकश इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, तो वहीं समस्तीपुर में खुलेआम कैसे राइफल चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है, आप ये देखिए। बिहार के मशरक में पुलिस ने एक गन फैक्ट्री का भंडा फोड़ कर 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मशरक पुलिस को जानकारी मिली थी कि मशरक के बंगरा इलाके में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है। इसके बाद एसटीएफ के साथ मिलकर पुलिस ने छापा मारा और 8 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मकान के अंदर से 7 विदेशी पिस्टल, 10 अर्ध निर्मित पिस्टल और हथियार बनाने वाली मशीनें बरामद की हैं।
वहीं समस्तीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बदमाश खुलेआम राइफल चलाना सिखा रहा है, साथ ही वो अवैध राइफल की कीमतें भी बता रहा है। आप सुन सकते हैं कि बदमाश बता रहा है कि राइफल कैसे लोड की जाती है और फिर उससे कैसे फायर किया जाता है। ये वीडियो मोहिउद्दीन नगर का बताया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है और केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। और बिहार के कटिहार में बेलगाम रफ्तार ने एक ही परिवार के 7 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। रिपोर्ट। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हादसा इतना झकझोर देने वाला है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। बिहार के कटिहार में एक बेकाबू ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्ची समेत 7 लोग शामिल हैं। हादसा कोढ़ा इलाके के डिगरी पेट्रोल पंप के सामने हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार लोग उसी में फंसे रह गए। शवों को निकालने के लिए भी पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार वाले मौके पर पहुंच गए और वहां चीख पुकार मच गई। घटना से गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और आगजनी की। पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर का पता लगा रही है और जल्द ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो है आप जा रहे हैं मध्य प्रदेश जा रहे थे, फिर इटारसी स्टेशन जाते, यहाँ से अगर कल्ला वाला पकड़ते और फिर ये लोग आ रहे थे, रास्ता में ही हो गया है। फरवरी 2021 में दौसा में छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में राजस्थान पुलिस ने कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट की गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। खबर देखिए। राजस्थान में विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा को पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला फरवरी 2021 का बताया जा रहा है। आरोप है कि विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे दीपक मीणा ने फरवरी 2021 में मंडावर थाना क्षेत्र के एक होटल में ले जाकर नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग समेत एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया था। वहीं विधायक पुत्र दीपक मीणा को क्लीन चिट दे दी थी, मगर कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए दीपक मीणा को पेश होने के निर्देश दिए। कोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी दीपक मीणा हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मंडावर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था गैंग रेप, जिसमें जो आरोपी थे पकड़े जा चुके। कोर्ट में इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। कोर्ट ने आरोपी को फिलहाल 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये 2 गुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।